एवरीवन, मैं हूँ रीना और स्वागत करती हूँ आपका टॉप 3 वर्ड में। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी एक ऐसा अलग और नए डिजाइन का साड़ी कवर जो आपको बेहद यूजफुल होगा और आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक को मैंने ये साड़ी कवर है उसके नाप से कट कर लिया है। कोई भी आपके पास पुराना साड़ी कवर है तो उसका नाप लेके उसे आप कट कर लीजिए। आपको मैं मेजरमेंट भी बता देती हूँ। इसे मैंने लिया है 16 इंचेस और यहाँ से 12 इंचेस। और इस फैब्रिक के मैंने दो पीस कट कर लिए हैं। आप चाहे तो इस फैब्रिक में फोम और अस्तर लगा के क्विल्ट बना सकते हैं। मैंने इसे ऐसे ही प्लान लिया है। इसके अलावा अब हमें चाहिए इस तरह के एक प्लास्टिक, ये ट्रांसपेरेंट सीट मैंने जहाँ पे प्लास्टिक की पॉलीथीन वगैरह मिलती है वहीं से ली है। आप वहीं से ले सकते हैं या तो फिर कोई स्टेशनरी से भी ये ले सकते हैं। ये पॉलीथीन मैंने इसी के नाप से ली है। आप चाहे तो यहाँ से 1 इंच मैंने ज्यादा ली है और इसे हमें यहाँ बीच में से कट नहीं करना है, ये हमें इतना लंबा ही रखना है। अब हम इस पीस में से एक पीस को पहले यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे और उसी तरह से सेकंड पीस में भी हमें यहाँ पे फोल्ड कर लेना है। ये दोनों पीस में हमने यहाँ से फोल्ड करके स्टिच लगा ली है। अब इसे हमें इस तरह से रखना है, ये जो ट्रांसपेरेंट सीट है उसके ऊपर हमें इसे रखना है और जो फोल्ड किया हुआ पार्ट्स है वो यहाँ पे आमने सामने रहेगा। अब इस तरह से इस पीस को रखने के बाद हमें इसमें यहाँ पे स्टिच करनी है। यहाँ से स्टिच करके इस पार्ट्स को पूरा हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे और उसी तरह से इस पार्ट्स को भी यहाँ से स्टिच करके यहाँ पे यहाँ तक इसे भी अटैच कर लेना है। ये देखिए, हमने ट्रांसपेरेंट सीट के साथ ये दोनों पार्ट्स को अटैच कर लिया है। अब हमें इसके ऊपर पाइपिंग करनी है। अगर आप कपड़े से इसके ऊपर पाइपिंग करना चाहती हैं तो ऐसा कोई भी आपको जो पसंद है वो कलर आप ले लीजिए प्लेन कपड़े का और उसको 2 इंचेस या फिर 1.5 इंचेस वेंथ की एक स्ट्रिप कट कर लें। इस स्ट्रिप को आपको इसके ऊपर यहाँ पे रख के इसे स्टिच कर लेना है यहाँ से और फिर इसे आप यहाँ से फोल्ड कर लीजिए, डबल फोल्ड करना है हमें यहाँ से इसे इस तरह से यहाँ ऊपर स्टिच करना है तो ये पूरे में पाइपिंग इस तरह से रेडी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप अपनी शादी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप इस तरह की लेस भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। इसे लगाना भी बहुत ही इजी है, आपको जो पसंद है वो आप एक लेस ले लीजिए। अब इसे हमें इस तरह से उल्टा रखना है और इसे हम यहाँ से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हमें लेस को अटैच करना है। यहाँ पे हम स्टिच कर लेंगे। ये हमने पूरे स्क्वायर में लेस को अटैच कर लिया है। अब इसे बंद करने के लिए मैं यहाँ पे मैग्नेट बटन का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो आप वेलग्रो भी अटैच कर सकते हैं। ऐसे ही सेकंड बटन हम यहाँ पर अटैच करेंगे और इसके ऊपर मार्क करना है हमें और इसके सेंटर में हम सामने भी मार्क कर लेंगे। ये इसका सेकंड पार्ट से यहाँ पे हम इसे फिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा साड़ी कवर कहिए या फिर मल्टीपल ऑर्गेनाइजर कहिए, ये रेडी है। देखिए, मैंने यहाँ पे इसमें साड़ी को रखा है और यहाँ पे हम सेकंड साइड इसके ब्लाउज को भी रख सकते हैं।
इसके साथ आप इसके पेटीकोट को भी यहाँ पे रख सकते हैं। आपको कहीं बाहर जाना है तो इसके मैचिंग के सारे सामान को भी आप इसके साथ यहाँ पे रख सकते हैं। ये अंदर से कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसमें ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि हम साड़ी ही स्टोर करें। अगर आप सूट पहनते हैं तो इसमें आपका हैवी सूट भी आप रख सकते हैं। आपके हैवी गाउन है तो वो भी आप रख सकती हैं। इसके सिवा हम जेंट्स के कपड़ों के साइज का नाप लेके उसके नाप का बना के उसके हैवी कपड़े भी इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि हम इसके अंदर साड़ी या अपना हेवी सूट स्टोर करें और इसके रिलेटेड जो भी कुछ आइटम मैचिंग्स है उसे हम इसके साथ ही रख लें। तो अब इसे हम रेगुलर यूज नहीं करते, कहीं पे हमने स्टोर करके रख दिया है, तभी जब हमें इसका यूज करना होगा तो ये बहुत ही आसानी से उसका सारा मैचिंग सामान भी हमें आराम से मिल जाएगा। और कहीं बाहर जाना है तो हम इसे साथ में ही लेकर जा सकते हैं। तो आपको ये साड़ी कवर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले यूज़फुल वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। इसी तरह के नए आइडियाज़ के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।